किसकी पार्टी से चुनाव लड़े? अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ पार्टी से। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सरीन शर्मिला। इससे पहले भी कोई चंडीगढ़ में इस पार्टी से खड़े हुए? नहीं, फर्स्ट बार इलेक्शन फाइट कर रही। तो इस बार सर क्या सोचकर आप चुनाव लड़े? ये सोचकर आया था कि क्योंकि बहन कर ली ह्यूमन राइट संस्था में काम कर रहे हैं काफी अच्छे से और नॉर्थन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ की लोकल समस्याएं बाहर भी हम जाते से जाते हैं। सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ में काफी ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है और उसके लिए हम आए थे कुल करके तकी लोगों से घर जाकर मिले जाए उनकी जो समस्या है बस उनका हल किया जाए। बस खास मुद्दे यही है कि लोगों की जो मेन समस्याएं हैं जैसे आजकल साफ सफाई का है, मोदी साहब ने दे दिया स्वच्छ अभियान लेकिन वो सब स्वच्छ अभियान दिखाई नहीं दिया क्योंकि सेक्टर में जहाँ रेड जोन सलेरी है वहीं पर कूड़ा दान रखा गया है और जो पार्कें बनाई गई हैं वो झूले लगा दिए उन्होंने वहाँ साफ सफाई का है क्या ना इसकी ये भी आदमियों के साथ खनन हो रहा है क्योंकि आदमी यहाँ पे रहता है शांत स्वरूप वातावरण होती है हवा शुद्ध होती है अच्छा पीने को अच्छा शुद्ध जल हो उसका ये भी ह्यूमन राइट्स में ही आते हैं और जहाँ पर ये समस्याएं हैं जैसे मेंटेनेंस की समस्याएं चंडीगढ़ में तो कहते हैं कि ये समस्या सुलझाई जाए मेंटेनेंस में से जो ऑनलाइन होती है। लेकिन इसी बार पहले भी इससे पहले वो जाते थे लेकिन हमने पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करा था ह्यूमन राइट संस्था थी है अब भी है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल लेकिन ये 2017 में रजिस्टर्ड कराया था। अगर इस आपकी जीत होती है किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के लिए हमारे मेन मुद्दे यही होंगे जो लोगों की जो मेन समस्याएं हैं जैसे 1900 में दिक्कतें आ जाती है वहां पर एक मान लो एक आम आदमी का राशन कार्ड की बात आ जाती है तो पहले तो उसे फार्म लेने में लाइन लगानी पड़ती है फिर एमसी के साइन कराओ फिर वहां पर लाइन बिल जमा कराने में लाइन लगती है मतलब लाइसेंस में लगा लो आप भीड़ लगी रहती है वहां पर लाइसेंस का मुद्दा हो गया हम ये सोल्यूशन लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग देंगे जिनके जितनी समस्याएं ना हो उनका टाइम वेस्ट ना हो ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि लोगों का समय बचे और लोगों को आना ना पड़े या कुछ ऐसा ये तो हम आने वाले समय में ही बताएंगे किस तरीके से लगा रहे हम यही है हम अगर रोजगार की समस्या है यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन बच्चे हैं उनकी 25 साल में उनको सर्विसें नहीं मिलती और स्टेटों में ऐसा नहीं है उनकी 30-35 साल की एज है लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में भी ऐसा किया जाए जिसमें इनके ओवरेज ना हो ये उम्र इनकी बढ़ा करके 30 या 35 और जिसमें बच्चे की जो मेहनत की है उसका प्रतिफल मिल सके। और सर जैसे कि इन सब पे तो सब वर्क कर रहे हैं लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो आम कॉलोनी के हैं उनके लिए कुछ खास आपके लिए करें हाँ उनके लिए यही है कि जो जैसे किसी के पास इतनी सहूलियत नहीं वो किराए में दे सकते उनके लिए जैसे मोदी साहब ने ये प्लान शुरू की 30 माह तो ये जो खाली पड़े हुए उन्हें दिए जाए और जो किराएदार रह रहे हैं उनको भी दिया जाए उसे रेंट भी सुधा जाए कि अगर कहेंगे अगर बैकवर्ड एरिया में कोई रह रहा है जो भी लोग नहीं है वो भी तो एक रेंट ले रहेगा अलॉटमेंट के बाद उसे भी तो रेंट देना पड़ता है इस तरीके से जो गरीब आदमी है वो किराए पे रह रहे हैं वो किराया वसूल करे सरकार उनसे ताकि उनको रहने की छत तो मिल जाए उनको सुविधाएं हो जाए। पब्लिक से क्या अपील करनी चाहिए? पब्लिक से यही है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें क्योंकि पब्लिक का जब तक सहयोग नहीं होगा अगर चंडीगढ़ की जनता चाहती है कि यहाँ सहूलियत हो दिक्कत पैदा ना तो हम घर घर जा करके उनकी सुधी लेते हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं अब भी सुन रहे हैं ठीक है। इलेक्शन के लिए कहाँ रह जाए पैसे कितना खर्चा करते हैं? खर्चा तो हमारे फ्रेंड सर्कल में ही हो रहा है जैसे भाई लोग हैं खर्चा यही कर रहे हैं आगे जिम्मेदारियां उठा रहे हैं हम लोग डोर टू डोर कितना खर्चा आ रहा है आपके हिसाब से? फिर भी कुछ नहीं मिनिमम खर्चा जो आम पॉकेट में बोझना बने उस खर्चे के हिसाब से लेके चल रहे हैं क्योंकि हम वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे बस हम फ्लैट हमने चुका रखे हैं और गाड़ियां से हैं आगे जा करके डोर टू डोर विजिट करते हैं रात को 10 बजे तक उसके बाद अलाउ नहीं है और घर घर जाके जाते हैं जो समस्याएं काफी होती है हमारे फोन नंबर है वहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट करो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।